सर बात ऐसी है कि मैं ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट हूँ सर। हाँ ठीक है, मेरा जो नॉर्मलाइज मार्क है वो 73.55 है सर। ठीक है, हाँ और जो डीवी के लिए जो रिजल्ट जारी किया गया है सर आरआरसी साउथ ईस्टर्न रांची के द्वारा, हाँ उसमें सर हमसे कम नंबर वाला जो ओबीसी कैंडिडेट का था, मान लिया 68 नंबर है, 69 नंबर है, हाँ उसका डीबी में तो रिजल्ट हो गया सर, लेकिन हम ओबीसी कैंडिडेट हैं, मेरा 73.55 नंबर है, वो मेरा रिजल्ट नहीं आया, ऐसा क्यों सर? हाँ पहले ये बोलो कि तुम्हारा जो मेरिट बना था सीबीटी वाला उसमें जी सर, तुमको, हाँ तुमको यूअर मेरिट में दिखाया क्या, ओबीसी मेरिट में जी सर, हम मैंने तो यूअर में यूअर दिखाया तो जी सर यूअर में, यूअर हाँ हाँ इसीलिए तुमको यूअर में ही ट्रीट करेगा क्योंकि तुम्हारा वो नंबर ज्यादा था। सर ओबीसी एक का मिनट जो नंबर आया था सर सीबीटी में उससे तुम्हारा नंबर यूअर के मुताबिक था बोल के तुमको सर यूअर में ट्रीट किया है। जी अभी सर तुमको क्या है, तो ओबीसी होने का बावजूद तुमको यूअर में ही ट्रीट करेगा, इसीलिए अभी सर डीबी के लिए जो यूअर का रिवाइज कट ऑफ मार्क बना है उसमें जी तुम्हारा नंबर नहीं आया, वो जी आएगा सर नहीं क्योंकि वो पीईटी के लिए हमने 3 गुना बुलाया था तो अभी 1 गुना बुला रहा है वैकेंसी का, 1:1, इसीलिए तुम्हारा नाम आएगा नहीं। एक मिनट सर, क्या क्या इसका रिवाइज रिजल्ट जारी होगा? नहीं, रिवाइज रिजल्ट क्या, आगे अभी एक मिनट हम लोग देख रहा है अभी उसमें, अगर देखता है कि नहीं तुमको अगर हो चाहिए जितना ओबीसी को 70 या 72 या 74 मिला है वो अगर यूअर में पहले ट्रीट किया है तो उसको नंबर वो सही है उसमें मिलेगा नहीं, तो हम कट ऑफ मार्क्स रिवाइज कट ऑफ मार्क्स दे रहा है उसमें देख लेना। एक मिनट सर, सर ये जो हम कैटेगरी अगर शिफ्टिंग नहीं होगा सर तो ये तो नियम के खिलाफ है सर। हमने ओबीसी कैंडिडेट हूँ मैं, मेरा ये तो नियम का ओबीसी खिलाफ नहीं है, ये रिजर्वेशन रूल्स है, ये नियम का खिलाफ सर नहीं है, हर आर्मी में ऐसा ही होता है कि नहीं वो सर, अगर कोई एससी सिकंदराबाद जोन का जो रिजल्ट जारी किया उसमें ऐसा नहीं हुआ सर। सिकंदराबाद में देखो, तुम सुनो, हाँ सिकंदराबाद सर में देखो कि कोई ओबीसी को अगर यूआर में ट्रीट किया है तो उसको क्या ओबीसी रिजर्व इसमें पोस्ट के लिए उसको डीबी में बुलाया कि नहीं, ये पहले देखो। यस सर बुलाया है हाँ उसका, यस सर बुलाया है उसका, ओबीसी के ओबीसी में था सर, पीटी में वो जनरल कैंडिडेट क्वालिफाई किया था। ठीक है सर, और हाँ जब डीबी का वहां मेरिट लगाया है सर, तो उसका डीबी जो जनरल का कटअप था उसको जनरल का कटअप क्लियर नहीं किया वो लड़का, तो उसका ओबीसी में फिर रिजल्ट दिया है सर। नहीं, वो गलत किया है, वो नहीं होगा, वो ऐसे नहीं नहीं सर, होता है, नहीं हो, वो नहीं ऐसे नहीं सर होता है। रूल ऐसा ही होता है सर, हमने एसएससी जेई का भी यही प्रक्रिया पर हमने कटअप क्वालिफाई किया, जब पीटी का हुआ था मेरा नहीं, तो ऐसा ऐसा रूल नहीं क्योंकि तुमको यूआर में तो ट्रीट किया है ना। सर, तब मेरा अपना कैटेगरी कहाँ जाएगा सर? ओबीसी का फिर हम क्या लाभ ले पाएंगे? मेरा एससी का कैटेगरी है सर, मेरा एससी कहाँ नहीं, जाएगा ओबीसी सर? का ओबीसी ओबीसी अरे बाबा, अगर तुमको कम नंबर मिलता तो ओबीसी का रिजर्व पोस्ट के लिए है, तुम यूआर के लिए तो आते हो ना, यूआर के लिए सर तुमको लिया गया है। मैंने यूआर में नंबर ज्यादा ले लाया है सर, मैंने तो अपना कैटेगरी तो नहीं ना छोड़ा सर, मैंने ओबीसी के लिए कैंडिडेट हूँ ना सर, ओबीसी ओबीसी तो होने मेरा का रहेगा बावजूद ना। नियम किया है ना, कोई किसी को अगर जनरल मेरिट के मुताबिक नंबर मिलता है वो चाहे वो एससी हो एसटी हो ये ओबीसी हो तो उसको यूआर मेरिट के अगेंस्ट में दिया जाता है हाँ तो सर, उस, हम एक मिनट मेरा बात हाँ सुनिए सर, हाँ हम वो भली भांति जानते हैं सर, लेकिन अगर मैंने अपना मान लिया यूआर का कटअप अगर नहीं क्वालिफाई किया ना सर, तो मेरा वो कैटेगरी में शिफ्टिंग होता है सर, कैटेगरी शिफ्टिंग इसी को तो बोलते हैं सर, मेरा खुद से खुद कैटेगरी में आ जाएगा सर। नहीं, वो कैसे होगा, तुमको तो पहले ही यूअर मेरिट में देखो, सर ये जो पेट का ये पेट तो है क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, पेट के लिए तो कोई अलग सा नंबर नहीं दिया जाता, पेट में ये सर क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई है, यस सर पीईटी ये में अगर कोई मतलब ये अलग होता है, पेट में अगर क्वालिफाई करता है तो उसको देखता है कि वो सीबीटी में कितना नंबर मिला था और कौन सा ये कम्युनिटी के अगेंस्ट में उसको सिलेक्शन हुआ था, सर एक उसको मिनट देखना सर, पड़ता है, उसका बाद और डीबी का ये बनता है, दो दो अलग सा कट ऑफ मार्क्स, पहले एक तो कट ऑफ मार्क्स था पेट के लिए, अभी डीबी के लिए दूसरा कट ऑफ मार्क्स हो आपकी रहा। आपकी बात सही है सर, लेकिन जो हम जो बोल रहे हैं उसको बात सुनिए सर, हम ओबीसी कैंडिडेट का कैंडिडेट है सर, मेरा ओबीसी कैटेगरी तो हमेशा फिक्स रहेगा सर, सेफ रहेगा, अगर हमने जनरल का कटअप क्लियर किया ना सर, तो मैं जनरल फाइट कर जाऊंगा, लेकिन अगर जनरल का कटअप से हम नीचे रह जाते हैं सर, तो मैं कैटेगरी शिफ्टिंग कर करके मैं आ जाऊंगा ओबीसी में सर, नहीं, लेकिन यहाँ कैटेगरी मेरा शिफ्टिंग नहीं होगा,
इसमें कैटेगरी शिफ्टिंग नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा सर तुम्हारा जनरल कैटेगरी मेरिट बना था, जो ओबीसी मेरिट में था, तो उन लोगों को क्या होगा? जो ओबीसी मेरिट में पहले था, पहले से ही वो सीबीसी में अरे ओबीसी मेरिट में था, तो ए, सुनो ना,